Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. In this video, we will be covering some 20 MCQs. इस वीडियो में हम 20 MCQs कवर करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है आपका, एलियट अर्न अ स्कॉलरशिप फॉर विच ऑक्सफोर्ड कॉलेज. तो आपका मर्टन कॉलेज था जहाँ से उन्हें क्या मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी. तो आपको कनेक्शन बना लेना है, मर्टन से स्कॉलरशिप उन्हें मिली थी. अब इन्होंने वो ज्वाइन कब किया था, ही अटेंडेड मर्टन इन 1914, बट ही वॉज अनहैप्पी एंड रिफ्यूज टू फर्दर हिज एजुकेशन देयर, और उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया था. अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बता दें कि जो ये PDF है, अगर आप इस तरह की PDF डेली चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आप हमारा MCQ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. और व्हाट्सएप नंबर जो फ्लैश होगा आपके स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट वर द नेम्स ऑफ एलियट्स पेरेंट्स, जो एलियट के पेरेंट्स हैं वो उनका नाम क्या था. अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक जो MCQ सीरीज में मैंने TS एलियट के आप लोगों को फुल फॉर्म बताई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि TS एलियट के फुल फॉर्म क्या है, मींस उनका पूरा नाम, कंप्लीट नेम क्या है. तो उनके पेरेंट्स का जो नेम है वो हेनरी वेयर एलियट है एंड शार्लेट सैम स्टर्न्स है. तो इसी PDF से मैं आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को याद होने चाहिए. तो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो कीजिए, हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम्स में. The poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, the very important poem from T.S. Eliot, was first published in 1915 mein published hui thi. At the request of which other poet, yahan pe kaun se wo poet hain jinki request pe Love Song of J. Alfred Prufrock jo hai wo published hui thi. To answer aapka Ezra Pound. So the magazine poetry. नेम क्या है, मैगजीन का नेम है पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स. इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉक है वो किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी, वो कौन से में पब्लिश हुई थी आपकी पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स. पब्लिश्ड द पोएम इन जून 1915 एट द रिक्वेस्ट ऑफ एज़रा पाउंड हु वॉज द फॉरन एडिटर ऑफ द मैगजीन एंड लेटर ही बिकेम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ एलियट. और वो एलियट के क्या थे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी थे और एक तरह से उनके मेंटर भी थे. द अदर पोइट्स वर ऑल कंट्रीब्यूटर्स टू द मैगजीन. वट लाइन आई ग्रो ओल्ड इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉक. जो ये लाइन है आपकी आई ग्रो ओल्ड, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो कौन सी है, आई शेल वियर द बॉटम ऑफ ट्राउजर्स रॉल्ड. यहाँ पे क्या है आप लोगों की, इसके बाद जो लाइन है आती है वो है आपकी आई शेल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रॉल्ड. अब ये जो क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने सिलेक्शन करके ये PDF हम बनाते हैं. द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉक इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्रफ्रॉक. ये जो पूरी पोएम है उसे प्रफ्रॉक पोएम भी कहा जाता है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. बहुत सक्सेसफुल पोएम उनकी रही है ये. हु डिड एलियट मैरी इन समर 1915, और इसी साल, अब देखिए 1915 बहुत इंपॉर्टेंट साल हो गया उनकी लाइफ में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. तो उन्होंने किससे शादी की थी इस साल, विवियन हेवुड से उन्होंने क्या की थी, शादी की थी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. दीति द मेन कैरेक्टर इज फ्रॉम विच नॉवल ऑफ घोष. तो अब अमिताभ घोष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, रैंडम क्वेश्चन हैं. वो है आपका सी ऑफ पॉपीज. तो ये जो दीति जो कैरेक्टर है वो किससे लिया गया है, वो है आपका सी ऑफ पॉपीज से. सी ऑफ पॉपीज कब पब्लिश हुई थी, इट वॉज इन 2008. इज अ नॉवल बाय इंडियन नॉवलिस्ट अमिताभ घोष विच वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज इन 2008. ये मैन बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हुई थी. और एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि जो इबिस ट्रायलॉजी है उनकी अमिताभ घोष की, उसका ये क्या है, इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ जो ये सी ऑफ पॉपीज है, ये फर्स्ट वॉल्यूम भी है किसका, इबिस ट्रायलॉजी का. एंड लेट्स टॉक अबाउट दीति, जो कैरेक्टर है दीति उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे. The main character include Diti, an ordinary village woman, an actress, American seller named Jachari Red,
The Indian Raja, Jamidar called Neel Ratan Haldar, and Benjamin Bowen, an evangelist opium trader. तो ये जो स्टोरी है ये किसमें है, फर्स्ट ओपियम वॉर की स्टोरी है. तो इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि जो सी ऑफ पॉपीज है उसकी थीम क्या है या किस टाइम ड्यूरेशन से वो रिलेटेड है. तो सी ऑफ पॉपीज जो है वर्क वो आपका फर्स्ट ओपियम वॉर से रिलेटेड है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. थोड़े से डिटेल ज़्यादा दे दी जाती है जिससे कि आप लोग जो ग्रुप में हैं वो लोग इसे अच्छे से पढ़ पाए. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट पार्ट ऑफ इबिस ट्रायलॉजी रिटन बाय अमिताभ घोष. तो मैंने कहा आप लोगों को आपको इबिस ट्रायलॉजी किसका है, वो है आपका अमिताभ घोष. एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है. तो जब हम इसमें 20 क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो नियरली हम 100 MCQs क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें और याद भी हो जाएगा. एक फॉलो करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. इसमें जो इबिस ट्रायलॉजी है वो उसमें कौन सा इन वर्क्स में से कौन सा उसका पार्ट नहीं है, तो आपको ज़्यादा बेटर है कि आप इनको याद कर लें कि सी ऑफ पॉपीज हो गया, फ्लड ऑफ फायर हो गया और रिवर ऑफ स्मोक हो गया. ये आपको क्या कर लेना है, इबिस ट्रायलॉजी अपने नोट्स में लिख लेना है कि ये तीनों इसके वर्क हैं. So, The Hungry Tide 2004 is the sixth novel by Indian born author Amitabh Ghosh. और ये 2004 में ही क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी. सेटिंग प्लेस ऑफ द ग्लास पैलेस, जो ग्लास पैलेस है उसका सेटिंग प्लेस कौन सा है, वो है आपका बर्मा, इंडिया एंड मलाया. तो आपको याद रखना है द ग्लास पैलेस का जो सेटिंग प्लेस है वो कौन सा है, बर्मा, इंडिया एंड मलाया. और अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि बर्मा, इंडिया और मलाया का जो सेटिंग प्लेस है वो कौन से वर्क का है, तो आपका है द ग्लास पैलेस. द ग्लास पैलेस इज 2000 हिस्टोरिकल नॉवल बाय 2000 में पब्लिश हुई थी और अमिताभ घोष का ही वर्क है. एंड यू कैन सी कि जो ये नॉवल सेट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, बर्मा, बंगाल, इंडिया और मलाया में ये क्या किया गया है, सेट किया गया है. हियर इट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इसका जो नेम है, द नेम ऑफ द नॉवल डिराइव्स फ्रॉम द ग्लास पैलेस क्रॉनिकल. ये ग्लास पैलेस क्रॉनिकल से इसका नेम कहाँ से लिया गया, ग्लास पैलेस क्रॉनिकल से लिया गया है. नेम नॉवल ऑफ अमिताभ घोष पब्लिश इन 2011 में जो अमिताभ घोष का वर्क है वो कौन सा पब्लिश हुआ था, तो वो था आपका रिवर ऑफ स्मोक. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द डेब्यू नॉवल ऑफ घोष. तो इनकी जो डेब्यू नॉवल थी, जो उनकी सबसे पहली नॉवल थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी सर्कल ऑफ रीजन. सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष की डेब्यू नॉवल है. द सर्कल ऑफ रीजन इज द फर्स्ट नॉवल बाय इंडियन राइटर अमिताभ घोष. तो ऑब्वियस सी बात है डेब्यू नॉवल है तो फर्स्ट नॉवल ही होगी. और ये उनकी, कब उन्होंने लिखा था इसे, 1986 में इसे लिखा था और ये पब्लिश भी 1986 में ही हुई थी. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अलू. तो यहाँ पे ये क्या है, आप लोगों का जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, अलू, एंड ही इज एन ऑफन. और वो क्या है, ऑफन है, एंड हिज जर्नी विच स्पांस अक्रॉस मेनी ईयर्स एंड कॉन्टिनेंट्स. सो आप लोगों को याद, कम से कम आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का बन जाएगा कि जो प्रोटैगनिस्ट है अलू वो किस वर्क में है, तो फर्स्ट नॉवल का है तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है. तो डेब्यू नॉवल आप लोगों को स्टडी कर लेनी चाहिए, कम से कम उसका, उसकी जो समरी है वो कर लेनी चाहिए. तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे वर्क्स की समरी हम कर भी रहे हैं और हर एक जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनके 3 वर्क्स हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं चैनल पे. तो आप सीरीज को जाके जरूर देखिए एक बार. इन व्हाट ईयर वाज द बर्थडे पार्टी वाज फर्स्ट परफॉर्म. तो बर्थडे पार्टी किसका वर्क है, वो है आपका हैरोल्ड पिंटर का. हैरोल्ड पिंटर का वर्क है बर्थडे पार्टी. ये कब परफॉर्म किया गया था, फर्स्ट परफॉर्म्ड एट कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर. ये कब परफॉर्म किया गया था, ये था आपका 1958 में इसको परफॉर्म किया गया था एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1959 में. इसको क्या किया गया था, परफॉर्म किया गया था. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जो हैरोल्ड पिंटर है इन्होंने कॉमेडी ऑफ मेनेस
इस टर्म को स्टैब्लिश किया था, ध्यान दीजिए, कि कॉमेडी ऑफ मेनेस किससे रिलेटेड है, ये आपका हैरोल्ड पिंटर से रिलेटेड है। दिस सेटिंग ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी इज द बोज, ये कहाँ का है आपका जो सेटिंग है बर्थडे पार्टी का, वो कहाँ है, रूमिंग हाउस है। अपोजिट क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं कि रूमिंग हाउस किसका सेटिंग प्लेस है, वो है आपका बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी कब पब्लिश हुआ, 59 में पब्लिश हुआ, और किसने इसे लिखा है, हैरोल्ड पिंटर ने इसे लिखा है, सो यू शुड नो। और कॉमेडी ऑफ मेनेस, अगर मैं एक टर्म आपको बताऊं कि कॉमेडी ऑफ मेनेस किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे है, हैरोल्ड पिंटर से। इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हु डायरेक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द बर्थडे पार्टी ड्यूरिंग इट्स लंदन प्रीमियर, किसने इसको डायरेक्ट किया था, तो वो थे आपके पीटर वुड। पीटर वुड ने इसको क्या किया था, डायरेक्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हैरोल्ड पिंटर का, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मेनेस जो टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में, वो इसी से शुरू हुआ था। हाउ ओल्ड इज मैग, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना कि जो मैग है वो भी इसी बर्थडे पार्टी का ही एक कैरेक्टर है। वो कितने साल का है, तो वो है अपना 60s में है वो अपने। मैग बोल्स इज अ काइंड वुमन हु हेल्प्स रन इन बोर्डिंग हाउस, वो क्या करती है, बोर्डिंग हाउस चलाने में हेल्प करती है, और वो कितने साल की है, 60 years की, वो अपने 60s में है। हाउ ओल्ड इज स्टैनले, स्टैनले जो है वो कितने साल का है, वो है आपका 30s में है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, द केयर टेकर वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये भी आपका केयर टेकर जो वर्क है, ये भी आपका क्या है, हेरल्ड प्रिंटर का ही क्या है, वर्क है। और केयर टेकर कब पब्लिश हुआ, वो आपका 1960 में, और ये आपका सिक्स्थ मेजर वर्क है राइटर का, हेरोल्ड पिंटर का ये क्या है, सिक्स्थ वर्क है। एंड डेवियस, डेवियस जो कैरेक्टर है वो हेरोल्ड पिंटर के केयर टेकर में ही है, केयर टेकर का ही क्या है, आपका कैरेक्टर है। और इसमें जो है इज अ ट्रैम्प, तो क्या है आपका, ट्रैम्प है। ही इज लाउड कॉन्फिडेंट एरोगेंट एंड फुल ऑफ हिमसेल्फ, और क्या है, बहुत एरोगेंट भी है। द प्ले इज सेट इन, जो केयर टेकर है वो कहाँ उसे सेट किया गया है, या उसका हम कहें कि जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का है। द प्ले टेक्स प्लेस इन वन रूम ऑफ अ हाउस इन वेस्ट लंदन ड्यूरिंग 1950s, तो ये प्लेस है कहाँ का, लंदन, एंड इट इज सेट इन विंटर, और ये कब सेट है, ये टाइम जो ड्यूरेशन है वो विंटर का है। वेयर इज द डम वेटर सेट, जो डम वेटर वर्क है हैरोल्ड प्रिंटर का, ये भी किसका है, हैरोल्ड प्रिंटर का ही वर्क है डम वेटर। आप अगर इसे 2-3 बार देखेंगे इस वीडियो को, तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। अ बेसमेंट, ये क्या है आपका, द डम वेटर, ये आपका बेसमेंट है। द डम वेटर इज वन एक्ट प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर, और हैरोल्ड पिंटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यूजीसी नेट में हेल्प करेंगे डेफिनेटली। डम वेटर इज वन एक्ट प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर एंड रिटन इन 1957, इसे 1957 में किया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपके बेन एंड गैश, तो आप लोग खुद के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं कि बेन एंड गैश हैरोल्ड पिंटर के कौन से वर्क में है, सेटिंग सीन कौन सा है, वो बेसमेंट रूम है, और ये कॉमेडी ड्रामा है। व्हाट ईयर वाज द प्ले होम कमिंग वाज फर्स्ट परफॉर्म, जो आपका होम कमिंग प्ले है वो कब इसे परफॉर्म किया गया था, सबसे पहले वो परफॉर्म किया गया था आपका 65 में, और ये वर्क भी आपका क्या है, हेरोल्ड पिंटर का ही है। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन, होप यू लाइक दिस सेशन, इफ यू लाइक सो प्लीज गिव अ थम्स अप।